हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ माय वीडियो. एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में वो कवर नहीं हो पाया था, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी, लर्निंग थ्योरी. सो आज हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे. प्रीवियस में हम लोगों ने सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर लिया था, आज हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, उन्होंने जैसे कहा था कि जो रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस है, तो उन्होंने उसकी बात की कि अगर बच्चे पढ़ने के लिए रेडी ही ना हो तो वो, आप उन्हें कुछ भी पढ़ा दो, दे विल नॉट लर्न, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा. सो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चे रेडी हो आपकी टीचिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, बच्चे रेडी हो कुछ लर्न करने के लिए, तभी क्या है कि वो उनकी लर्निंग हो पाई, वो क्विकली किसी भी चीज़ को वो लर्न कर लेंगे. सेकेंड है कि तो ये टीचर की ड्यूटी होती है कि आप बच्चों को कुछ इस तरीके से मोटिवेट करें, कुछ इस तरीके से अपनी टीचिंग के थ्रू अट्रैक्ट करें कि बच्चे आपकी टीचिंग को एक्सेप्ट करें और इन्जॉय करें आपकी टीचिंग को. नेक्स्ट होता है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें क्लास में कि बच्चे उस इन्वायरमेंट में खुद को इंडल्ज कर लें और इतने इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड हो जाए कि आपकी टीचिंग को वो लेने के लिए, या फिर वो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझें, उन्हें समझाने के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए क्लासरूम में, ताकि बच्चे जो भी पढ़ें उन्हें अच्छी और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए. टीचर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टास्क करवा सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब क्लास में कोई टीचर एंटर होता है तो बच्चे क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, दे आर नॉट रेडी, तो आप क्लैपिंग करते हुए क्लास में इंटर कर सकते हैं, सो डैट बच्चे अट्रैक्ट हो. आप गाना गाते हुए क्लास में इंटर कर सकते हैं, या फिर बच्चों को किसी एक मूवी, एक छोटी सी क्लिप दिखाकर एजुकेशनल की, या फिर एक छोटा सा सॉन्ग प्ले करके, या फिर किसी को गाने के लिए बोल करके आप क्लासरूम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं. सो ये और टीचर की एक और ड्यूटी होती है कि बच्चों को इनकरेज करना. आप बच्चों को कैसे इनकरेज करते हो पढ़ने के लिए, बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाना कि नहीं ठीक है, तुम अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, कोई भी रीज़न है, आप उस रीज़न को सुनो, बच्चे को समझो. बिकॉज़ ये टीचर की ड्यूटी होती है कि आप बच्चों को नॉलेज ही नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक भी बनाओ. ये एक टीचर की ड्यूटी होती है कि आप उस बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे इंटरेस्ट उनमें जगा सकते हो पढ़ाई की ओर, ऐसा क्या एक्टिविटीज़ आप करोगे कि बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएं. आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बच्चे किस में इंटरेस्ट हैं, किस तरीके से बच्चों को पसंद आ रही है कोई चीज़ वो आप सीख, बच्चों को बच्चों के लैंग्वेज में समझाओ. आप उन्हें कार्टून्स के एग्जांपल दे सकते हो, किसी भी एक चीज़ के लिए आपको डी से वर्ड देना है तो आप मजाक में बोल सकते हो, हैव यू हर्ड अबाउट द डोरेमोन, डोरेमोन की वर्ड भी डी से स्टार्ट होती है, उनकी उसकी भी नेम डी से स्टार्ट होती है. तो आप बच्चों को कार्टून्स के एग्जाम्पल दे के, आप बच्चों को उनके तरीके से आप उन्हें पढ़ा सकते हो, क्लासरूम को और अट्रैक्टिव बना सकते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्किल ऑफ टीचर्स. एक यहाँ पे एक लिखा है, लर्निंग शुड बी मेड पर्पसफुली एंड गोल ओरिएंटेड. दैट इज़ व्हाट, कि आप कुछ भी पढ़ाने जा रहे हो तो आप प्लानिंग करके ही जाते हो कि आपको क्या पढ़ाना है. तो आपकी जो गोल है वो अचीव्ड हुई है, बच्चे ने वो सीखा है या नहीं सीखा है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस बच्चे को क्वेश्चनिंग करके, कुछ लिखने के लिए, फिर उनसे कुछ पूछ के, उनकी ओपिनियन जाने कि उन्होंने क्या सीखा, ये सुनिश्चित करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने आप को, ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा किसी एक फील्ड में वीक है तो वो सही नहीं है, या फिर पढ़ाई में वीक है तो स्पोर्ट में वीक नहीं. बच्चों को हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी, चांसेस मिलनी चाहिए. ठीक है, तो हर एक बच्चा पे ध्यान दो, हर एक बच्चे से देखो कि बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिस चीज़ में वो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको उसी की ओर मोटिवेट करो. एवरी चाइल्ड इज़ टैलेंटेड बट इन डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, और इस प्रोस्पेक्टिव को समझना एक टीचर की ही दायित्व होती है कि वो समझे कि बच्चे हमारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन के लिए सही है, और अगर सही है तो उनकी हॉबीज़ को, उनकी टैलेंट को और निखारा जाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे, हियर आर द डिफरेंसेस एंड थैंक्स टू ऑल. सॉरी, दो पार्ट में बनाया गया, बिकॉज पहले पार्ट में ये बहुत ही ज़्यादा लंदी हो गया था, सो आई डिवाइडेड इंटू टू. सो थैंक्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच.